अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा लो। हर रोज़ मैं आपको एक नई वीडियो शेयर करूँगा। देख सकते हो ये फिलिप्स कंपनी का है, ठीक है, और ये 9 वाट का बल्ब लगता है। और ये रहा इसका, अब मैं इसे आपको ठीक करके बताऊंगा कि इस तरह का जो बल्ब है इसे भी आप ठीक कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों जैसा कि मैंने इसको खोल लिया है, आप देख सकते हो इसके अंदर की जो हालत है वो क्या है, ठीक है। इसके अंदर में काफ़ी गंदा हो चुका है, मैं इसको साफ करूंगा और देखूंगा कि इसे ठीक किया जा सकता है। देख लो दोस्तों, जैसा कि मैंने इस बल्ब को है मैंने तो पानी से उठाया था, तो इस पर एक स्पॉट्स लग गया है, तो मैं इसे अच्छे से साफ कर लूँगा, इसका अंदर का जो मैल है, ठीक है। उसके बाद मैं इस पर अपना जो ये जो 9 वाट का जो NC PCB है, ठीक है, ये वाला इसमें लगाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने जो है इस बल्ब का जो बॉडी है इसे मैंने साफ कर लिया है, ठीक है। तो साफ करने के बाद कुछ इस तरह से ये दिख रहा है, तो मैं इसमें ये वाला जो इसका जो MCPCB और ये था ये मैं नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये तो पहले हीट सिंक पेस्ट के ज़रिए इसके साथ चिपकाया गया है और ये आसानी से इसके ऊपर से उठ नहीं रहा है। तो मैं इस तरह का जो एक 9 वाट का जो है, ठीक है, जो MCPCB है, इसको मैंने यहाँ पर लगाऊंगा, ठीक है। ये इसके साथ सेट आता है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने इसको ख़रीदा है, ये ऐसे ही किसी बल्ब से मैंने लिया है, ठीक है। और ये रहा इसका जो है ड्राइवर, ठीक है, इस ड्राइवर को मैं लगाऊंगा इसमें। तो इससे पहले, ड्राइवर को लगाने से पहले मैं इसमें कुछ होल्स कर लूँगा ताकि यहाँ से मैं तार बाहर की तरफ निकल सकूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इसका जो अंदर जो ड्राइवर लगाना था मैंने लगा लिया है, ठीक है। तो ड्राइवर मैंने लगा लिया है और अब मैं इस पर MCPCB और हीट सिंक लगाऊँगा। तो ये रहा मेरा हीट सिंक और MCPCB। तो इस तरह से मैंने लगा लिया है इसमें अपना हेड सिंक और PCB, ठीक है। तो अब मैं इस पर सोल्डिंग कर लूँगा यहाँ पर। तो ये रहा प्लस वाला प्लस पे और माइनस वाला माइनस पर। मैं आपको सोल्डिंग का ठीक से कर लेने के बाद दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसको सेटिंग कर लिया है इसमें, और अब मैं इसका जो डिफ्यूज़र है, ये मेरा इसका डिफ्यूज़र नहीं है, पुराना वाला डिफ्यूज़र है, मैं इसको इसमें लगा लेता हूँ। और यहाँ पर कुछ कुछ जगह पे खाली सा है, ठीक है, ये खाली सा मतलब यहाँ पर टूट गया है, ठीक है। तो इनको हम जोड़ लेंगे टेप से, ठीक है, ताकि इसके अंदर कोई मॉइस्चर वगैरह ना जाए। और इसको जोड़ने का एक बेहतरीन तरीका मेरे पास है, ठीक है, इस सोल्डिंग आयरन से ही। तो मैं इसमें फेविक्विक नहीं लगाऊंगा,
इस तरह से मैं इसको जोड़ लूँगा, ठीक है। इससे जुड़ा अच्छा से जुड़ जाता है ये, ठीक है। और बाद में इसकी बॉडी से मैं नुकीली चीज़ों से काट लूँगा, ठीक है। और ये वाला जगह भी देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने कुछ इस आयरन सोल्डिंग आयरन की मदद से जोड़ लिया है, ठीक है। और इसके बाद मैं इसको थोड़ी सी काट लूँगा इस ब्लेड से। और फिर मैं आपको इसको जला के दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो किस तरह से ये ग्लो कर रहा है, ठीक है। ये पूरा ठीक हो चुका है।